मुझे थैला भी पिसवाना है, गेहूँ मतलब इसमें क्या चाहते हो? तो वो भी पिसवाने हैं, और मैं तो बाइक लेके जा रहा पर स्कूटी भी जा रही साथ साथ, तो मैं इसको स्कूटी में रख दूंगा। चलो चलते हैं। मैंने थैला स्कूटी में रख दिया है और हम अब चलेंगे चक्की में। हाँ चक्की में चलेंगे, और एक बाइक और एक स्कूटी, और वो अभी बच्चे को लेके आ रहा है, बच्चे को लेके आ रहा है वहाँ पे। तो आज का मौसम कुछ इस तरह से है, आज का मौसम कुछ यूं है कि बादल आ रखे हैं। कौन है? आ रखे हैं हल्के हल्के बादल, बारिश बारिश तो कहाँ से आ, अरे कोहरा लगा, कोहरा। गुरजी आ गए हैं, गुरजी। तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल MSG Party Vlogs में। तो गाइस कैसे हो सारे, सभी अच्छे होंगे? तो आज से फिर से वही क्लास, तो चल रहे हैं। अभी टाइम हो चुका है 8:30, तो मेरे साथ पीछे धीरज हैं और वो कोमल अभी गाड़ी लेके आ रही है, मतलब स्कूटी लेके आ रही है ऊपर से, और मैंने उसमें भी थैला रखा है। तो यार अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आप हमारी नई वीडियो में आपको नोटिफिकेशन आ जाए। मौसम कुछ आज बिगड़ सा रहा है, लगता है बारिश होगी। आई डोंट नो, और ये यार राज नहीं, वो कौन सा था यार, खट्टा मीठा में था वो वाला वो कॉमेडी करना था इसमें, इस रोड रोलर पे। तो तू जब यहाँ आया था तो कौन सा गोरा था, अभी क्या हुआ भाई? तो आप यहाँ के बारे में जानते हो, उत्तराखंड के इन वादियों के बारे में, मतलब जिस क्षेत्र में हम रहते हैं यहाँ के बारे में अगर कोई जानता है तो जरूर कमेंट करना। तो ये नदी देखो, मतलब बहुत कम हो गई है, पहले तो जब बारिश आती है तब तो बहुत बढ़ जाती है, पर इस टाइम पे थोड़ा कम हो गई है क्योंकि बारिश का सीजन चला गया है, और फिर भी बारिश हो रही है। और जब बारिश हो रही है तो नदी इतनी बढ़ जा रही है कि क्या ही बोले यार। और यहाँ से भोलेनाथ जी का मंदिर दिख रहा है, शिव शंकर। तो परसों मैंने एक दिन वीडियो बनाई थी, उस दिन मेरी पूरी वीडियो करप्ट हो गई थी, मतलब बहुत ही अच्छी वीडियो बनाती थी, मैं क्या बोले आप, वीडियो की एक ही क्लिप नहीं रही मेरे पास जो मैं आपको दिखा सकता था। तो ये नीचे नदी है, ये छोटा सा पुल है उसके ऊपर, और जब बाइक स्टार्ट करते हैं शंकर। तुम कब उठा मजा, कभी तुम्हें स्कूटी जाना था कोई बाइक, तो बाइक मैंने सर्विस के लिए दे रखी है, जहाँ मैं कोचिंग करता हूँ वहीं मैंने दे रखी है। तो जैसे उसकी सर्विस कंप्लीट हो जाती है तब, मतलब आज कल तो हो गई होगी यार, क्या पता मैं आज उसको लाऊं, ये भाई वहीं छोड़ूंगा मैं, क्योंकि उधर भी अपना रूम है, तो हम वहाँ भी ज़्यादातर हम घर ही आते हैं, रूम भी है उधर, दोस्त लोगों का भाई लोगों का रूम है उधर। तो आगे से ट्रक लग चुका है यार, साइड भी देखा भी, पता नहीं कचरा नहीं आ रही, पता नहीं क्या नहीं आ रहा। चलो भाई ने साइड आपको अगर ओवरटेक मारना है तो देख के मारना पड़ेगा भाई पहाड़ों में, हाँ तो बिल्कुल देख के, मतलब आंखें चार करनी पड़ेगी अगर आपको पहाड़ों में अगर कोई टू व्हीलर या फोर व्हीलर चलाना है, अपनी साइड को लेके, अपनी साइड तो लेके चलना ही चलना है यार। मोड़ों को एकदम अपनी साइड,
अभी लेफ्ट साइड को चलना ही चलना है। और जैसे चढ़ाई वाली गाड़ी अगर आप ऊपर से आ रहे हो नीचे के लिए, मतलब अप से डाउन के लिए आ रहे हो, और कोई गाड़ी डाउन से अप के लिए आ रही है, तो उसको आपको साइड देना पड़ेगा या तो उसके लिए जगह बनानी पड़ेगी। जगह अब भी मैं देख देख के जा रहा हूँ, क्योंकि कोई ना कोई ये कार वाले होते हैं जो फोर व्हीलर वाले, तो ये क्या करते हैं एकदम से आ जाते हैं, अपनी गाड़ी बचाने के चक्कर में दूसरों की गाड़ी ठोक देते हैं, अब दूसरों की गाड़ी यहाँ पर गिर जाती है, ऐसा ऐसा हाल है कुछ। तो यार गाइस पहुँच चुके हैं बैठाने, तो मिलते हैं आपको 2 घंटे बाद। 2 hours later. तो निकलते हैं यार यहाँ से। तो यहाँ नीचे है भोलेनाथ जी की मूर्ति इस साइड में, और ये वाला रास्ता जाता है बुंखाल को, और ये थोड़े छोटे छोटे गांव हैं यहाँ पे, ज़्यादा बड़े नहीं, ये भी इक्के तुक्के घर बन रखे हैं यहाँ पे। ज़्यादा से पहाड़ में ऐसा होता है कि लोग अपना अलग ही घर बनाते हैं। यहाँ पे नीचे है मंदिर, मंदिर बोला मैं, देखो शिव जी की मूर्ति है नीचे, दिखी होगी हल्की हल्का वो देखो, रोक के बता दो, यहाँ से कुछ खास दिक्कत नहीं है। अरे रोडों का तो बुरा हाल देख ही सकते हो आप, कितना बुरा हाल हो रखा है पहाड़ों के रोडों का, क्योंकि बरसात के बाद इतना रोड ख़राब हो चुका है कि क्या ही बोले अब। और सुनने में आ रहा है कि सुनने में क्या आ रहा है, ये इस रोड का डमरीकरण होगा दोबारा से, और इस रोड पे 2 लेन बनेगी है, पर अब पता नहीं कब तक बनेगी, 2025 तक का समय दे रखा है, तो पता नहीं कितना टाइम लगता है इस रोड पर, उसके बाद इस रोड का बुरा हाल होने वाला है 2025 तक, उसके बाद पूरा ठीक होगा ख़राब होगा देखते हैं जैसा भी होगा। और ये देखो ये बीच में रूढ़ी पड़ गई थी, इसका भी आपको पूरा ध्यान रखना है, इस वजह से गाड़ी आ रही है, उस गाड़ी को जाना पड़ेगा, उसका शायद तो जीवन भी नहीं देगा क्या आपका, यहाँ पे दे सकते हो ड्राइवर को, पर ये भी स्पीड में चल रहा है, बहुत धूल उड़ा रहा है यार। और हमारे दोस्त अभी तक नहीं आए, अभी ज़्यादा स्पीड में नहीं चल रहा, मैं भी बहुत आराम से चल रहा हूँ, वो अभी तक आए नहीं। पहाड़ में बिजली के खंभे देखो ऐसे होते हैं, यहाँ से वहाँ तक देखो कैसे कैसे करके इन्होंने बिजली के जो तार हैं वहाँ तक पहुँचाई होगी। तो यार गैस आपको मिलते हैं सीधा घर में। गैस मैं घर पहुंच चुका हूं, और इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं। तो होप करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं ऐसे किसी नए फ्रेश ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।